बहुत सारे हमारे मोहल्ले हैं और गांव के बहुत सारे बाढ़ हैं जो पानी में डूब चुके हैं। इस पे सरकार क्या कर, सरकार कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं? अभी तो पूरा दहा हुआ है। नेशनल हाईवे है 31। चलिए जी दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ हम सब यहाँ खड़ा है। रोड खराब हो जाएगा, गड्ढा गुड्ढी हो जाएगा पूरा। देखिए पूरा भरा हुआ है, देखते चलेंगे हम सब, देखते चलेंगे यहाँ से पूरा नज़ारा रोड का, जो कि देख सकते एकदम, मतलब आप कहीं कहीं देखते होंगे, ये देखिए इतना पानी माल देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर बाहर आया तो इस ऑन रोड में आप एंजॉय नहीं किए तो ज़िंदगी बेकार है दोस्तों। दिखाएंगे आपको यहाँ, हम सब वीडियो पुश करते हैं और आगे जहाँ पानी आएगा वहाँ हम सब आपको लेके चलेंगे और वहीं प्ले करेंगे। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे दर्शक पानी देखने के लिए उभरे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से भी रोड पार हो रहा है पानी। ये टेम्पो का देखिए आप सब मजा आया, कुछ अलग ही व्यू है यार, मजा कुछ अलग है। बाहर में जब बाढ़ आता है यहाँ बांध लगाया गया है। यहाँ देखिए बाप, यहाँ देखिए इधर, ये इधर देखिए देखिए कितना पानी आ रहा है। बच्चे लोग है, देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है। देखिए पूरा बाढ़ आ गया है एकदम, देखिए कितना पानी है। हम सबको लग नहीं रहा है कि नेशनल हाईवे है एक्चुअली में। बहुत पानी है दोस्तों, बहुत पानी है यहाँ पे। हम सब रुक के यहाँ थोड़ा सा इंजॉय लगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से धारा आ रहा है, पूरा बह बह के आ रहा है। अब देखिए ये तो हम सबको पता नहीं चल रहा है कि हम सभी नेशनल हाईवे पर आए हुए हैं, लेकिन पानी यहाँ कुछ इस तरह का है। पेट्रोल पंप पे ले लीजिएगा, हम सब पेट्रोल पंप पे रुकने वाले हैं यहाँ पे। सबनीमा पेट्रोल पंप है, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से भर चुका है पानी में कि हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए पूरा लगा है, देखिए इधर का, देखिए यहाँ पेट्रोल पंप है। आप पेट्रोल पंप से हम यहाँ आए हैं, पेट्रोल पंप बोल सकते हैं उसको। मैं चाह रहा था इसे बचाने के लिए, लेकिन मेरा जूता नहीं बच पाया है। गाड़ी हम सब लगाएंगे अभी, हम सब आए हुए हैं अभी सबनीमा पेट्रोल पंप पे। आप सब देख सकते हैं बख्तियारपुर के पास, यहाँ हम सब नेशनल हाईवे जो दृश्य है वो दिखाएंगे आप सबको। आज नेशनल हाईवे का दृश्य कुछ इस तरह से देख सकते हैं, नीचे एक एक आधा आधा ठेवना पानी भर गया है नेशनल हाईवे पर। पूरा नेशनल हाईवे का नज़ारा है दोस्तों, दिखाइए इधर दिखाइए नहीं इधर दिखाइए तो पूरा गाड़ी जा रहा है, दिखाइए पूरा गाड़ी का नज़ारा लीजिए। यहाँ बहुत से दोस्त हैं जो कि पानी के नज़ारा ले रहे हैं। देखिए गाड़ी, यहाँ गाड़ी रुका हुआ था, इनका गाड़ी में लगता है हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो गया हमको लग रहा है जैसा कि, लेकिन अब चालू हो गया इनका गाड़ी। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सा पानी आ रहा है। अगर आप यहाँ कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल इंजॉय लीजिए इधर। यहाँ देखिए कितना पानी भर रहा है। हाँ देखिए यहाँ देखिए कितना पानी भर रहा है, देख सकते हैं बहुत सा पानी भर रहा है। मतलब पता नहीं चल रहा है दोस्त इतना पानी अभी आया है कि आप सब लोग बोलते हैं 76 का बार, 76 से ज़्यादा पानी अभी आया है। 1976 की मैं बात बोल रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे दोस्त है। देखिए बताइए जी इतना पानी आ रहा है, क्या आप बोलना चाहेंगे इतना पानी में? आपका यही घर हुआ? हाँ मेरा यही घर हुआ, बुटरा घर हुआ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पानी की वजह से बहुत सारे हमारे मोहल्ले हैं और गाँव के बहुत सारे बाढ़ हैं जो पानी में डूब चुके हैं। इस पे सरकार क्या कर, सरकार कुछ एक्शन ले रही है या नहीं? अभी तो कुछ ऐसा जमीन पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार कुछ एक्शन ले रही है, ना कोई ऐसी सुविधा है, ना कोई उस पे देख रहे कुछ हो रहा है। बाद में क्या पता, आई डोंट नो। ऐसा है कि यहाँ बहुत सा पानी, लगभग कितना गांव है इधर, घर होगा इधर करीब यही 600-700 घर, 600-700 घर होगा। पूरा पानी में भी डूब चुका है, यहाँ देख सकते हैं नज़ारा। ये कार उड़ है, यहाँ बहुत सा पब्लिक है। भैया से जानेंगे अभी, पूरा बात जानेंगे भैया से। तो भैया कब से यहाँ पानी पार हो रहा है रोड से? नेशनल हाईवे यही करीब परसों से ही इसी यही तरह से बढ़ रहा है पूरा पानी। इस पर प्रशासन के, मतलब कि प्रशासन से कोई भी देख रेख नहीं हो रहा है, और प्रशासन से अभी कोई सुध भी नहीं लिया गया है। कोई हेल्प नहीं मिला अभी तक। बताइए प्रशासन, हमारे जो बिहार के बारे में बोलते हैं प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ का दृश्य देख कर हमको कुछ इस तरह का फील हो रहा है कि यहाँ के प्रशासन कैसे इसे चुप रह सकते हैं। इतना पानी भर रहा है, देखा है वहाँ पे, देखिए कितना पानी भर रहा है, कुछ हम सब बोल नहीं सकते हैं। इतना नज़ारा भरा हुआ है कि कुछ नहीं, हम सब देख रहे हैं, देख सकते हैं पीछे यहाँ बहुत दिक्कत है दोस्त बाढ़ के पानी में। हम सब अभी आधा ठेवना पानी में है, देखिए नीचे पानी में है। बताइए जी, भैया जा रहे हैं, भैया से बात करते हैं। भैया
कब से पानी भर रहा है? तीन दिन से भर रहा है भैया, बताएं अभी जैसा कि। तो भैया बताइए थोड़ा सा कि कुछ एक्शन लिया गया नहीं? कोई एक्शन नहीं। बताइए, देखिए यहाँ के जो न्यूज रिपोर्टर है ना, वो इतना चुतिया ना बता रहे हैं, रियल बात आपको दिखाएंगे नहीं। बताइए इतना पानी में कितना घर बर्बाद हो रहा है, कितना जान मान का हानि, कुछ नहीं दिखाएंगे। आएंगे एक फोटो डालेंगे, आप फोटो डाल के चल जाएंगे। झूठ बोल रहे भैया? बिल्कुल। अगर आपको दिखाना है जी, तो यहाँ का थोड़ा सा लोकेशन दिखाइए, कितना पब्लिक को गड़बड़ी है, दिक्कत है, यहाँ कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं कितना जान माल को हानि मिल रहा है, सब रोड पे आए हुए हैं। ये तो अभी मेन रोड है, गांव में तो और ज्यादा बुरा हाल है। देखिए अभी नेशनल हाईवे पर ये हाल है, गाँव में बहुत बुरा हाल है। यहाँ का मीडिया जो है ना बहुत चुतिया हो गया है, रियल बात बताते ना मीडिया, एक फोटो आके खींच लेगा क्या यहाँ पे रखा हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ टंडेली किया जाता है। देखेंगे आगे, आगे भी बहुत सा है, आगे देखेंगे। बताइए कैसा स्थिति है, देखिए नीचे दिखाई जी, दिखाई नीचे दिखाई कितना, देखिए एक खेवना पानी में हम सब जा रहे हैं अभी। अच्छा, बताइए थोड़ा सा, ये पानी जो आता है हर साल आ जाता है यहाँ पे? नहीं, हर साल नहीं आता है। हर साल नहीं आता है, मतलब जब पानी उधर भरता है तब आ जाता है। बताइए ये रोड इतना नीचा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम सबको जब जानता है सर, गवर्नमेंट जान रहे हैं कि पानी हर मतलब जब भी पानी भरता है तो यहाँ पे कुछ इनका सुविधा करना चाहिए था, बांध बनना चाहिए। बंधा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। देखिए बनाना चाहिए, इस वन को लिए हमारे गवर्नमेंट पहले से जागरूक रहे, लेकिन रहते नहीं हैं। देखिए कितना पानी आ रहा है, नीचे दिखाओ जी, इधर दिखाओ कितना पानी आ रहा है, उधर दिखाओ तो पूरा घर डूब गया, देख सकते हैं। बहुत सारे घर है बेचारा, सब बहुत तकलीफ होगा निकलने में। आपको पूरे लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, कोई मीडिया वाला सर आता है चुपचाप लेके फोटो लेके चल जाएगा, बता देगा कि यहाँ से रोड पे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, मान रहे पानी जा रहा है, कितना जानमाल को हाली कोई नहीं जान बता सकता है। अभी हम सब अगले ट्रेस पर जा लोकेशन पर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे, पूरा जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। नीचे देखिए पूरा पानी है, बहुत दोस्तों बता रहा हूँ मैं, इतना दिक्कत है। इधर दिखाओ जी, देखिए सब छोटा छोटा दुकान सब था, इस उनके बहुत प्रॉब्लम होगा, हम जानते हैं। जैसा कि छोटा छोटा दुकान जो रहता है वो ज़्यादा कमा नहीं पाता है बेचारा सब, लेकिन तकलीफ़ है काफ़ी बढ़ जाती है बाढ़ के लेकर के, हर कोई का है। प्राकृतिक का मानते हैं हम, प्राकृतिक के प्राकृतिक है थोड़ा सा, लेकिन प्राकृतिक को सब कुछ लेके चलना चाहिए। क्या हमारा सरकार इतना कमज़ोर है? इतना कमज़ोर नहीं है सरकार, लेकिन सभी जगह का कुछ ना कुछ कान करता है, सब पैसा आएगा जहाँ तहाँ पैसा लगा देगा, लेकिन बाढ़ के लेकर के बहुत खराब दर्शाता है। क्या होगा, 6,000 रुपया आप ले रहे हैं, 200 रुपया आपको बढ़ा रहे हैं तेल में, बढ़ा दिए, 6,000 रुपया आप दीजिएगा हम ही सबको, क्या दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं ले रहा जा रहा है। आप तो महंगाई पहले से बढ़ा दिए, आप 6,000-7,000 रुपया दे के क्या घोषित करना चाहते हैं कि हम बहुत दानवीर हो गए हैं? कुछ दानवीर नहीं हैं आप सब। बंद करो, आगे देखेंगे। लगभग ये पूरा रोड जो है लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, नहीं हो कुछ 4 किलोमीटर है, बताइए 4 किलोमीटर से कहीं ना कहीं, कहीं ज़्यादा पानी बढ़ रहा है तो कहीं कम बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। यहाँ नेशनल हाईवे का बुरा हाल है, इस पर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है। बताइए 3 दिन से बढ़ रहा है पानी, कुछ तो आप देखिए जी करिए। फंसा हुआ है मानते हैं, थोड़ा सा सब स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का रहना बहुत जरूरी है, प्रशासन रहना चाहिए था, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है इस संचय पर। बहुत जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन कहीं तो ध्यान दीजिए, कहीं भी स्ट्रिक्ट नहीं है आप। देखिए पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं आगे, इसी तरह रोड खराब होगा तो सरकार को और नुकसान ये रोड है। अच्छा जी, पानी की वजह से रोड खराब होता है कि नहीं, बताइए राजू? बहुत सारा पानी के वजह से रोड खराब होती है, और आप ही सब बताए बोलेंगे कि रोड खराब हो गया है। हाँ। रोड खराब होने का बड़ा कारण रहता है पानी भैया, कहीं भी अगर थोड़ा सा पानी गिरा तो रोड खराब, तो रोड खराब होना ही, इतना पानी भर रहा है यहाँ से गाड़ी स्पीड में निकलेगा रोड खराब हो जाएगा। दिखाइए इधर नजर, दिखाइए यहाँ पे, दिखाइए पूरा पानी जा रहा है, देख सकते हैं पूरा खेत में पानी है, घर उधर घर है, यहाँ देख सकते हैं नीचे पैर नहीं थम रहा है हम सबका, यहाँ काफ़ी तेज गति में पानी निकल रही है, पैर धस, जाने दो उनको बहुत जल्दी, उनको दो, यही लोग हैं जो घूमने आते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए पानी नहीं थम रहा है, देखिए यहाँ पानी नहीं थम रहा है, बाइक इनका पानी हिलाए हुए है, कैसा फील हो रहा है पानी, कैसा हो रहा है
पानी उज्जवल सेगर, उज्जवल सेगर उज्जवल सेगर यूट्यूब में डालिए ना। इधर दिखा, इधर दिखा भाई। बोल रहे हैं यहाँ पानी थम रहा था आपका चक्का जी? जी जी बिल्कुल, पानी डूब गया था इधर, सब नीतीश कुमार डूब रहे हैं ना, सब वो करवा रहा है। बताइए, देखे ना जी, सब कोई सरकार से ना खुश है। इधर देखा यहाँ कितना पानी आ रहा है, देखिए वहाँ यहाँ दोनों जगह दिखाइए कितना कितना पानी आ रहा है। आइए भैया से मिलते हैं, भैया यहाँ खड़ा है, इन सब से जानेंगे पूरा जानकारी यहाँ का। हम सबका पैर यहाँ थमे रहा, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, एक जगह खड़ा है तो खड़ा रहना पड़ता है, बिल्कुल चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। भैया बताइएगा थोड़ा, मतलब कब से यहाँ से पानी पास हो रहा है? आज कल ही से हो रहा है, कल ही से हो रहा है, कल से। यहाँ देखिए बहुत रफ्तार में पानी आ रही है, देखिए यहाँ यहाँ अगर अच्छा से खड़ी है आगे तो खड़ा नहीं होगा, पूरा गांव चल जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा। सही बोल रहे हैं भैया, बहुत धारा है। गवर्नमेंट इस पे कुछ कर रही है या नहीं? एक गवर्नमेंट खाली बालू लगा दे रहा है, बालू से क्या होगा, उससे क्या होगा, बालू देने से क्या होगा, बालू कुछ नहीं होने वाला है अभी फिलहाल। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ क्या बालू लग पड़ा था, बालू धरा हुआ था कि दहा दिया बालू? बताइए उधर देखिए, देखिए वहाँ वहाँ देखिए बहुत सारा धारा चल रहा है, देखिए कितना कितना पानी है। हम सब के लिए चलेंगे पुल पे, पुल पे देखेंगे, उधर पुल है छोटा सा, थोड़ा सा पुल पे चलेंगे। अरे पेपे कार के लिए लगाने भाग, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पानी बहुत रफ्तार में है, हम सब जैसा कि जान रहे, देह में जान नहीं, हम नियाओं के लग रहा है पानी में खड़ा होना पड़ता। आइए जी आइए, वीडियो आप पुश करिए जी, ओ जी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वो पुल है यहाँ छोटा सा, वो पुल पे के साइड में सहारा लिए हुए हैं सभी कोई। अब आगे भी चलेंगे, देखेंगे सभी कोई, अब जानेंगे पूरा हाल यहाँ के लोगों का, आखिर मामला क्या क्या है यहाँ, कितने लोग तबाह हो चुके हैं अपने घर से भाग कर ले पार के लेकर के, पानी के लेकर के, पूरा जानेंगे। बाबा हैं कि यहाँ, बाबा से मिलते हैं। बाबा कब से यहाँ डेरा डाले हुए? बाबा कब पानी आ रहे तो डेरा डाले, कब से है डाले? एक दो दिन। भैया हैं, भैया से मिलते हैं। भैया आपके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं? अरे कुछ नहीं कर रहा है। खाना वाना मिल रहा है भैया? ना कुछ नहीं। बताइए जी कुछ नहीं, क्या कांड कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है? अब मीडिया वाला आएगा यहाँ, चुपचाप चल जाएगा मुँह चुरा करके, कुछ बताता नहीं है। बताइए इतना जानमाल के क्षति है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, इधर व्यू दिखा रहे हैं, पूरा भरा हुआ है एकदम। देखिए पूरा छोटा छोटा जो घर है, तंबू बना बना करके कैंप कर रहे हैं अपना। यहाँ देखिए गाय हुई सब कुछ है, बच्चा है एक छोटा सा, इनको दिखाओ जी, बच्चा दिखाओ, ये देखो बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा बच्चा था। यहाँ का व्यू देख कर लेकिन उस पर थोड़ा सा रहम आ गया, हाँ अच्छा लगा वो देख करके हम सबको। यहाँ देखिए बहुत सा पानी है भरा हुआ यहाँ पूरा जो टाइप है। मिलेंगे भैया सबसे। बाबा कब से बाबा पानी आ गया है? पानी पहले 15-20 दिन, 25 दिन, 25 दिन से ज्यादा ही है। उधर ना था बाबा घरवा? बताइए बाबा सबके बहुत परेशानी हो रही। बाबा क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल रहा है हेल्पफुल? कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं कर रहा है ना ही। यहाँ के जो मीडिया आते हैं, बड़ा बड़ा मीडिया वाला आएंगे मुंह चुरा के निकल जाते हैं। बाबा हम बता रहे हैं मीडिया वाला एकदम चुतियापा करता है, ना तो कुछ हेल्प दे रहा है, ना तो आप कोई चीज कर रहा है, कोई मदद नहीं है। खाना वाना कहीं ना दे मिल रहा है, कहीं से खाना वाना का इंतजाम नहीं है? बताइए इससे अच्छा तो हमारा बार है जो कि वहाँ पे सर कुल अपना तरफ से दे रहा है खाना वाना खिला रहा है। ये क्या गांव है, यहाँ पे सब अच्छा अच्छा यहाँ पे रहिस रहिस लोग हैं, लेकिन अपना तरफ से इन सुन के हेल्प नहीं पहुँचा रहे हैं। सब अपना रह रहे हैं यहाँ बाबा? देखिए सब कोई अपना रह रहे हैं। बताइए पंडित जी कौन रखे? पंडित जी कौन रखेगा? पंडित जी की उतना हैसियत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था है, सुला उला बनिए गया तब क्या व्यवस्था? बताइए मम्मा सही बोल रहे हैं, सब व्यवस्था किए हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं। सरकार एक गांव है से डूब गया, एक गांव नहीं है मानते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है हम सब के लिए? कुछ नहीं कर रही है पूरा गांव के लिए। हम तो जहाँ डूबा है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ डूबा हुआ है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई सेवा नहीं मिल रहा है। जो है बहुत सा जो अच्छा अच्छा लोग हैं वही सब थे हुए हैं, खाना खिला रहे हैं, सबको पूर्ति कर रहे हैं। हमारे बाद में खुद ही सब कौन है जी, कौन क्या समिति का नाम है, सब उस पर खाना खिला रहे हैं।
देखते सकते हैं यहाँ पे एक आंटी थी, वो आंटी बहुत आक्रोशित हो गई थी, मतलब उनको अच्छा लग रहा है, वो खुश है गवर्नमेंट से, वो खुश हैं। भैया से मिलते हैं, भैया घूमने आए थे शायद यहाँ। भैया कैसा लग रहा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आदमी अच्छा लग रहा है। आप सब मतलब इतना अच्छे से जा रहे थे तब हम पूछ रहे हैं, तो आप तो अच्छा, तो वही तो जितना आदमी जब बिल्कुल हम लेते आए हैं उधर से, भाई उधर से हम लेते आए हैं, और आगे और यहाँ पर कोई मीडिया उड़िया वाला आता नहीं है, आता नहीं तो इससे फायदा नहीं होने जा रहा है। इससे तो जो इससे वो तो फायदा है, लेकिन भाई अगर हम सब आवाज नहीं उठाएंगे, अगर तुम सब आवाज नहीं उठाओगे तो हमेशा के लिए इसी रहेगा। तो पूरा मुआयना कर लो, पूरा हम देखते आए भाई, वहीं से देखते आ रहे हैं। उज्जवल से अगर है मेरा चैनल पे जाके आप सब देख सकते हैं। पूछिए क्या कष्ट है? बहुत कष्ट है, अभी पूछ रहे हैं, पूछे सबसे आगे भी मिलेंगे। पूछिए कैसा महसूस कर रही है? महसूस बाबा से मिलते आए उधर से, बाबा से मिल के आए उधर से, इनसे मिलिए पहले, बताइए एक एक छाती है। बाबा से मिल के आए उधर से, बाबा से मिलते आए हैं, ये है इनसे मिलो, मिलते हैं बाबा से हम सब। भर छाती पानी है उधर, उधर मेरा कल एक दोस्त था, वो गांव गया था, वो बता रहा था कि पूरा छाती में पानी, वो मोबाइल में उसका 3-4 प्लोथिन डाला था, लेकिन फिर भी मोबाइल में गया है पानी। आगे बढ़ के मुआयना कर, देख लेते हैं आगे भी बढ़ के हम सब। चलिए थैंक यू भैया,